नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज किस वीडियो में आप लोग को अपडेट देंगे अयोध्या के राम पथ का। राम पथ टेढ़ो लंबा बना हुआ है और अभी हाल ही में चुनाव का नतीजा आया, तो जिसमें बीजेपी को हार मिली है इतना बड़ा कुछ काम करने के बाद। तो दिखाते हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट कारण बना हार का, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राम पथ के स्टार्टिंग पॉइंट सादगंज से लेकर, और ले चलते हैं आप लोग को रिकाबगंज तक दिखाते हुए किस तरह से राम पथ का डेवलपमेंट किया गया था और काफी अच्छे से रोड बनाई गई और बहुत चीजें जो भी चीजें हैं इस पे सब कुछ आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, ये आ जा रहा है NH-27 और इसी से लगा हुआ है राम पथ। तो सर्विस लेन से आप लोग को आना अगर आप लोग लखनऊ की तरफ से आते हैं, और फिर आप लोग को यहाँ से शुरुआत हो जाती है राम पथ की। अभी दिखाते हैं काफी बड़ा सा भव्य सा इसका जो स्वागत द्वार बना है, ये यहाँ पर बना हुआ है स्वागत द्वार। तो करीब चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से है ये। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप लोग को यहाँ बड़ा सा देखिए दीपक लगा हुआ मिल जाएगा, और इसके ठीक पीछे इसका जो स्वागत द्वार है वो बना हुआ है, और इस साइड बहुत सारे भी काम चल रहे हैं क्योंकि एक ब्रिज और बन रहा है इधर से। और यहाँ से देखिए आप लोग ये कितना भव्य और दिव्य दिखता है इसका जो स्वागत द्वार बना है जिस तरह से है, और दीपक काफी जबरदस्त दिखता है भाई साहब। देखिए कितना बड़ा है ये, रात में जलता भी है, तिकोना सा पार्क बना हुआ है और सामने पूरा ये स्वागत द्वार है। दिखाते हैं आप लोगों को, फिलहाल भी इधर से रास्ता बंद रखे हैं क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो जिनको अगर लखनऊ की तरफ जाना होता है तो आगे रावी रोड से घूम के आना होता है नीचे से चौराहे से, तो यहाँ भी बंद है, ब्रिज के कार्य चल रहा है। और यहाँ देखिए आप लोग तो बोलते किस तरह से है ये का जो हैं स्वागत द्वार, काफी भव्य और दिव्य खूबसूरती आप लोग उसकी देखिए, पूरा एकदम धनुष आकार का बना हुआ, बीच में त्रिशूल लगा हुआ है और वहां शुरुआत होता है और यहाँ पर फिर आके ये खत्म होता है, इस तरह से बना है। और इधर से जाता है ये पूरा राम पथ अयोध्या को जोड़ता है। तो बीच में गरुड़ की प्रतिमा देखिए लगा हुआ हाथ जोड़े हुए, और इस पे जो है प्रभु राम के जीवन काल से जुड़े हुए सारे मतलब बचपन से लेके और वन गमन और सब लौट के आने तक सब कुछ इस पे दर्शाया गया बहुत ही अच्छे से। बस इतनी कमी इसमें अगर किसी और कलर से दर्शाया गया तो काफी अस्पष्ट दिखता। तो चलिए अब और आगे चलते हैं आप लोग को लेकर दिखाते हुए। तो दोस्तों, ये 4 लेन रोड बनी हुई है और दोनों तरफ चौड़े चौड़े फुटपाथ बने हुए हैं कुछ इस तरह से। बीच में देखिए बागवानी की गई है और आकर्षक सी लाइट लगाई गई है जो काफ़ी खूबसूरत लगती है, पूरे पैसे आपको देखने को मिलेगा। और देखिए पूरा ये गमले उमले भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो आने वाले समय में इस सब पे भी आप लोग को पेड़ लगे हुए देखने को मिल जाएगी। और ये छोटे छोटे बस स्टॉप बनाए गए हैं, इलेक्ट्रिक बस जो चलती है उसके लिए स्टॉप बनाए गए हैं, यहाँ से आप लोग अपना इलेक्ट्रिक बस पकड़ सकते हैं और जहाँ जाना जा सकते हैं। यहाँ पर एक सूर्य स्तंभ दिख जाएगा आप लोगों को इस साइड में, एक सूर्य स्तंभ इस साइड में, और यहाँ पर दर्शाया गया है हनुमान गढ़ी नया घाट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस जाने के लिए जो उसकी दूरी है सबको दर्शाया गया है। और बीच में बागवानी दिखेंगी, आकर्षक सी लाइटें खूबसूरत सी दिखेंगी, और जो भी इस पे घर और दुकान है सबका कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत ही बनाया गया है, एक जैसा ही सबका कलर है जैसे ही डिज़ाइन है, अभी आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ देखिए मार्केट है उसका जो भी कलर और डिज़ाइन आप लोग देखिए इस तरह से पूरा ही बनाया गया है ऐसे दोस्तों। और ये सादगंज एरिया है, देखिए ये सादगंज पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और फिर आगे चलते हैं आप सबको दिखाते हैं और जो चीज़ें पड़ेगा सब बताते हुए। तो ये सादगंज एरिया है, मार्केट है, तो अभी दोपहर का समय है तो इसी भीड़ भाड़ कम दोपहर में क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है। आज तो कुछ हाल फिलहाल सही है क्योंकि अभी कल थोड़ी बारिश हुई है, आज भी थोड़ा सा मौसम सही है क्योंकि उधर भी बहुत भयंकर धूप होती थी, लेकिन आपको कुछ सामान्य हो रही है धीरे धीरे कर पूरा देखिए। और काफ़ी बड़ा सा ये देखिए पेड़ है, फुटपाथ तो बचा था उसको बचा दिया गया है तो अच्छा हुआ है। और देखिए यह है कैंप कार्यालय आवास लल्लू सिंह सांसद अयोध्या, लेकिन अपनी वर्तमान सांसद हो गए हैं और सांसद यहाँ के बदल चुके हैं, इसका आवास था ये लल्लू सिंह बीजेपी से भी हाल ही में हारे हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी कारण ना हो, डेवलपमेंट ना पसंद आया लोगों को। और यहाँ देखिए बीच में सूर्य अस्त यहाँ भी लगा हुआ है, रात में जब जलता है तो काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत लगता है ये सूर्य अस्तम्भ। तो ये देखिए सादगंज मार्केट की बात आप लोगों को जिस तरह से देखने को मिलेगा, तो
और पूरे देखिए जो पेड़ लगे थे काफी छोटे छोटे फूल आए हुए हैं, बोगनवेलिया के पेड़ लगाए गए थे और सब हरे भरे हो गए हैं। इस तरह दोस्तों रात मिलती है तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो उसका कई सारा नाइट व्यू भी हमारे चैनल पे है, उसको भी आप लोग वॉच करना चाहे देख सकते हैं नाइट व्यू रामपथ का। और यहाँ से तो देखिए पूरे फुटपाथ किस तरह चौधरी फुटपाथ बनाए गए हैं, जगह जगह पर कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं जिसे बैठने के लिए। तो इस तरह से पूरी अयोध्या का जो डेवलपमेंट कार्य हुआ था हुआ है। फिर एक बस स्टॉप लोग को मिलेगा जो यहाँ पर रात की डिफरेंट मोड बनाई गई है और इसके अंदर का ब्लेसिंग जिसका यहाँ भी फोटो टू बनाई गई है। और फिर आगे एक सूर्य स्तंभ दिख रहा है, तो सूर्य स्तंभ छोटे छोटे लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत जगते हैं रात को एकदम सूर्य जैसे जगते हैं। और सामने ही सादरगंज हनुमान गढ़ी है। इस तरह दोस्तों ये चीज़ें की गई हैं, इस पर अभी बहुत सारे कार्य इस तरह चल रहे हैं, गमले रखने का और जो काम बचा है उसको किया जा रहा है। तो सादरगंज हनुमान गढ़ी है पूरा। और यहाँ के बाद से आप लोगों को जो लाइट का कलर है और डिज़ाइन देखने को चेंज मिल जाएगा, देखिए पूरा ये यहाँ से ये मरून कलर की लाइट लगी हुई है और डिज़ाइन इसके देखिए कुछ पीछे वाले से अलग डिज़ाइन है इसकी। और यहाँ से देखिए पूरा गमले भाई का इस तरह से रखे गए हैं, सब कलर वलर भी कर दिए गए। देखिए यह अध्ययन करने के बाद ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है, विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का वो मतलब कि लोगो बनाया गया है और अध्याय का भी इसमें बनाया गया है और सूर्य स्तंभ यहाँ पर भी है तरह से। और खूबसूरत सी लाइटें देखिए सब पूरे पे लगी हुई हैं पेड़ भी, तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत दिखेगा ये आने वाले समय में। बस ये देखिए सब पेड़ वेड़ लग जाएंगे, काफ़ी हरा भरा भी रहेगा और बीच में पेड़ तो लग ही गए हैं, दो साइड में भी पेड़ लगने का कार्य बहुत जल्दी कंप्लीट कर ले जाएगा, जो गमले रखेंगे उसके बाद पेड़ लगेंगे साथ में। तो इस तरह दोस्तों पूरी ये अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। और उसके बावजूद अगर यहाँ से बीजेपी थोड़ा हार का सामना करना पड़ा तो थोड़ा काफ़ी कष्टदायक रहा सबके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ स्थानीय मुद्दे थे जिस पर लोगों ने मतलब यहाँ अयोध्या से जो विधानसभा थे यहाँ से तो जीते ही थे, लेकिन और जो जगह थे वहाँ से क्योंकि और भी जो चार विधानसभाएं थी वहाँ से काफ़ी हार गए वोटों से। तो धीरे धीरे करके हम पहुँचने वाले हैं कचहरी के पास और यहाँ देखेंगे आप लोग फिर एक सूर्य स्तंभ दिखेगा और लाइटें सेम लगी हुई हैं। इस तरह दोस्तों है पूरा साइड में पूरा ये कचहरी परिसर है कि इस तरह से है। और आगे जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है विकास भवन है, जितना भी विकास कार्य होता है संचालन यहीं से किया जाता है पूरी अयोध्या का। और इस पर देखिए इस तरह दोस्तों पूरा जो फुटपाथ पे पेड़ पड़े उसको बचा दिखेगा, यहाँ पे पेड़ पड़ा है उसको भी बच गया है भाई साहब। और इस सब तरफ गमला रखने का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है, ये सब चीज़ें नई नई अपडेट हुई हैं इसलिए हमने आप लोग को दिखाएं। तो पूरा राम पथ आप लोग को हम दिखाएं शुरू से ही टूटने से लेकर बनने तक वर्तमान में किस तरह से दिख रहा है चीज़ें देखिए। और यहाँ से किनारे किनारे सारे पेड़ भी लगाए गए, जो रेड कलर का पूरा पैक है ना इस सब में पेड़ लगाएंगे, पेड़ काफ़ी बड़े भी होंगे, इस साइड भी लगाए गए हैं और इस साइड भी लगने लगे हैं देखिए, यहाँ से भी पूरा पेड़ ही लगाया गया। तो आने वाले समय में छाँव भी रहेगी क्योंकि इस तरह से गर्मी हो रही है, पेड़ बहुत ज़रूरी है भाई साहब, पेड़ नहीं रहेगा तो आने वाला जीवन बड़ा ही कष्टदायी होगा लोगों का। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें और पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, उनको मतलब बड़े करें, पानी डालें, सब कुछ वगैरह करके, जितना पानी वो लोग कूलर को खिला रहे हो पानी का पेड़ को खिलाएंगे तो काफ़ी बड़ा हरा भरा होगा और शायद ही आने वाले समय में थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा गर्मी से। तो उसको पहुँचने वाले हैं जो अयोध्या बस स्टॉप है वहाँ पर, इसका नाम पहले फैजाबाद हुआ करता था लेकिन अब अयोध्या बस स्टेशन हो गया है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने सर्किट हाउस है और इधर में बस स्टॉप है, पूरे बस स्टॉप है और इधर में सर्किट हाउस है। और यहाँ पर बीच सूर्य स्तंभ लगा हुआ है देखिए इस तरह से, और पूरा ये बस स्टॉप के बाहर का हिस्सा है, एक बड़ा सा पीपल का विशाल का एवरिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत सारी देखिए ये बसें खड़ी हुई हैं
जो अयोध्या डिपो और यूपी के तमाम डिपो की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई जो यहाँ संचालित होती हैं और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। अभी हम पढ़ रहे थे न्यूज़ में तो कैंची धाम लगनीम करौली से और अयोध्या के लिए भी बस का डायरेक्ट चलने का कार्य शुरू हो गया है। बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ से लोग आ जा सकते हैं आराम से। धीरे धीरे जैसे हम पहुँच गए सिविल लाइन के पास, सामने सिविल लाइन का रहा दिख रहा है हम लोग कितना चौंक रहा पुष्पांग और रोड एक तरह से दोस्तों बनी है। यहाँ पर भी गमला रखने का कार्य नहीं हुआ है, बहुत जल्द ही यहाँ पर भी गमले आप लोग को देखने को मिलेगा। तो नया घाट की दूरी जो है 9.940 किलोमीटर, मतलब लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से है और सिविल लाइन चौराहा जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद से जो लाइट के कलर और डिज़ाइन आप लोग को डिफरेंट देखने मिलेगी। एकदम धनुष आकार की लाइट, इसके ऊपर तीर बने हुआ हुआ है इस तरह से है और यहाँ सब आप लोगों को फुटपाथ पर लाइट देखने को नहीं मिलेगी। पीछे फुटपाथ पर भी लाइटें देखने को मिली थी लेकिन यहाँ पर आप लोग को फुटपाथ पर लाइट लगी नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरह दोस्तों पूरा है ये नज़ारा रामपथ का और इस साइड में दो काफ़ी पुराने और फेमस होटल हैं, एक तिरुपति एक है सानी। और वैसे तो बहुत सारे नए नए होटल्स बन गए हैं अयोध्या में लेकिन पूरे दोनों काफ़ी पुराने होटल्स हैं क्योंकि बड़ी सी बिल्डिंग है ये, तो रुकने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप लोग सिटी में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर, बाकी अयोध्या धाम में रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ नगर निगम अयोध्या पुष्पराज चौराहा, फिर सामने पुष्पराज चौराहा बोला जाता है इसको और उसके बाद शुरू होता है रिकाबगंज। तो पूरा सिविल लाइन एरिया है, इसके बाद से शुरू होता है आगे रिकाबगंज और आप लोग को हम आगे रिकाबगंज चौराहा तक दिखाएंगे इस वीडियो को। तो इस तरह दोस्तों पूरी चीज़ें हैं तो यहाँ सबसे काफ़ी भीड़ भाड़ आप लोग को देखने मिलेगी। जैसे ही बस स्टॉप क्रॉस करेंगे उसके बाद काफ़ी भीड़ भाड़ देखने मिलेगी क्योंकि पूरा ये स्थिति है तो यहाँ पर बहुत सारे दुकानें अस्पताल और सब चीज़ें हैं तो लोगों का आवागमन काफ़ी रहता है। इस तरह से दोस्तों है पूरा ये और सामने पूरी जो स्ट्रीट लाइट से धनुष आकार की लगी हुई है इस पर इस तरह से और यहाँ से आप लोग देखें जितनी भी दुकानें मकान घर सब का कॉमन बिल्डिंग कोड कॉमन कलर एसी डिज़ाइन जैसा कलर देखने को मिलेगा इस साइड में भी। पूरा रिकाबगंज है, इस तरह दोस्तों है चीज़ें और इस साइड में अयोध्या का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और सामने जो दिख रहा है ये रिकाबगंज चौराहा, सीधे आप लोग जाएंगे तो अयोध्या चौक घंटा घर की तरफ पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप लोग को बाएँ टर्न लेना है अयोध्या की तरफ जाने के लिए, तो बाया जाता है रामपथ इस साइड चला जाता है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा शेयर करिएगा, जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के अपना बहुत ख्याल, नमस्कार, जय श्री राम।